12th maths RVC, exercise number 1.2, 5th question. Function fx equals to, there are ax plus b. a और b इसमें constants हैं और a not equal to 0 है और function real to real, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है. यहां पर मेरे को ये प्रूव करना है कि भी ये function एक एक ही और अच्छा कर, यानी कि 1-1 और on 2 means bijective है, या यू भी कह सकते इसका इनवर्स निकाला जा सकता. तो ऐसी कंडीशन में लेट fx1 equals to fx2, हमेशा ध्यान रखो अगर fx1 equals to fx2 लेके चलते हैं ना, तो आंसर इसमें x1 equals to x2 आएगा तो वो 1 बन जाएगा, और not equal लेके चले तो x1 not equal to x2 होना चाहिए. अब इसमें fx1 कैसे निकालेंगे, जहां x है वहां x1 रखो, प्लस b ax2 प्लस b, दोनों तरफ से b कैंसिल कर दें, ax1 equals to ax2, a दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, तो x1 equals to x2. इससे क्या पता चलता है, f is 1-1, 1-1 means ak. अब आप बात करते हैं इसकी on 2 के लिए. सबसे पहले आप देखो लेट फंक्शन fx equals to आप y देखो, fx की वैल्यू इसमें है ax plus b is equals to y, इसमें x equal to हमेशा निकालना होता है, तो ax equals to y minus b और x equals to y minus b upon a. ध्यान रखें a not equal to 0 दे रखा है और a 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या करेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, y की कोई भी रियल नंबर यहां पर रखेंगे ना, वैल्यू y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा. Therefore, f is कैसा हो जाएगा, onto मतलब अच्छा करना, जो एक एक और अच्छा तक दोनों होता है ना, तो वो फंक्शन उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. तो इसका इनवर्स निकालो आप, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया था, y माइनस b अपॉन a आया था, और इसमें x की वैल्यू हो गई f इनवर्स y, जहां की x है वहां पर f इनवर्स y रखते हैं, ये हो जाएगा y माइनस b अपॉन a. अब इसको x के फॉर्म में आंसर देना, तो y की जगह मैं इसमें क्या करूंगा, x रख दूंगा, तो ये x माइनस b अपॉन a इसका आंसर हो जाएगा, इनवर्स के फॉर्म में. इसमें सबसे पहले ये प्रूव किया कि वो 1-1 और on 2 है, मींस एक एक ही अच्छा तक है, उसके बाद मैंने इसका इनवर्स निकाला. तो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी. स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, खूब प्रैक्टिस करें, अच्छे मार्क्स लाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट.